दोस्तों, क्या आप लैपटॉप खरीदना चाहते हो? अगर आप लोग लैपटॉप खरीदना चाहते हो लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि कौन कौन से चीजें लैपटॉप में होनी चाहिए, कंपलसरी है, उसके बिना लैपटॉप एकदम भंगार है, चाहे आप 50,000 का लैपटॉप खरीदो या फिर 25,000 का लैपटॉप खरीदो या फिर 1,00,000 का लैपटॉप खरीदो, तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना। आपको सिर्फ चार बातें बताऊंगा, अगर आपके लैपटॉप में चार चीजें हैं तो डेफिनेटली आपका जो लैपटॉप है वो बेस्ट है आपके प्राइस रेंज में। मैं यहां पर आपको सिर्फ चार चीजें बताऊंगा कि वो चीज आपके लैपटॉप में होना चाहिए जो आपके लैपटॉप को सुपर बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले और पहली चीज जो नोटिस करना आपको वो देखना है प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, अगर इंटेल का प्रोसेसर है और i5 है तो आप 50,000 के रेंज में जो भी उसके अंदर में जितने भी लैपटॉप आते हैं उनमें से जो भी आपका प्राइस है उस प्राइस में जाकर आप लैपटॉप को खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊपर भी जा रहे हैं तो भी आप इंटेल का ही चूज करेंगे, इंटेल अच्छा आता है, टॉप ब्रांड है और उसकी जो है एक तरह से मतलब मार्केट में दबदबा है, क्योंकि उसका इंटेल का ही जो लैपटॉप जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक होता है कि मतलब उसमें देखना नहीं पड़ता कि भाई क्या खराब है क्या नहीं है। मेरे पास जो लैपटॉप है वो i5 है इंटेल का और वो जो है मैं पूरे 5-5.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है। सो दिवाली के समय अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो ये आपको ध्यान देना है कि आपके जो लैपटॉप है उसमें प्रोसेसर होना चाहिए और इंटेल का होना चाहिए। दूसरी बात नोटिस करने वाली ये है कि आपके लैपटॉप में पर्याप्त रैम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर प्रोसेसर आता है, सेकंड नंबर पर आता है रैम। DDR रैम आपके लैपटॉप में कम से कम 8GB का अगर आपने अपने लैपटॉप में रैम रख लिया ना, आपका लैपटॉप चाहे 20,000 का हो या फिर 25,000 का हो या फिर 30,000 का हो या फिर 50,000 का हो, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट देने वाला है आपको, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। कोई भी काम कर रहे हो, चाहे उसमें जो है आप कोई वेबसाइट विजिट करो, चाहे आप कोई उसमें वीडियो एडिटिंग करो। अगर आपको नहीं पता है कि लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं तो यहाँ पर एक वीडियो है, उसको देखकर आप लोग पता लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप उसमें जो है चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके, PHP इंस्टॉल करके, जावा इंस्टॉल करके, C++ इंस्टॉल करके आप लोग चाहो तो कोई कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाली है। तो पहला हो गया इंटेल का प्रोसेसर, i5 तरह का कुछ प्रोसेसर आपको लेना है, होना चाहिए आपके लैपटॉप में। और दूसरा हो गया रैम, DDR रैम 8GB कम से कम आपके लैपटॉप में होना चाहिए। तीसरी कौन सी चीज है भाई जो हमारे लैपटॉप में होनी चाहिए, वो है SSD। जी हाँ, SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। जी हाँ, ये हार्ड डिस्क की तरह ही होता है लेकिन ये हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क की तरह भी नहीं होता क्योंकि इसकी जो साइज छोटी होती है और इसकी जो साइज छोटी होती है लेकिन काम बहुत बड़े हैं। ये बहुत ही फास्ट तरह की मेमोरी है और बहुत जल्दी ही फाइलों को प्रोसेसिंग करती है। और आजकल के लैपटॉप में अगर SSD नहीं है तो समझ लो उस लैपटॉप की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने लैपटॉप में जो है 256GB SSD रखते हो, भले आप 25,000 का लैपटॉप खरीदो, अगर SSD है उसमें 256GB, आपका लैपटॉप बहुत जल्दी से एप्लीकेशन ओपन करेगा, आपका लैपटॉप बहुत जल्दी से बूट अप करेगा, आपके लैपटॉप में विंडोज 10, विंडोज 11 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत जल्दी से ओपन होगा, आपका लैपटॉप जो है जल्दी से ऑन होगा। क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप होते हैं उसमें जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, वो इसीलिए क्योंकि जो उसमें मेमोरी थी वो है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि SSD, और SSD जिसमें होता है, SSD नहीं होता, तो उसके कंपैरिजन आप देखोगे कि जो SSD वाला लैपटॉप है वो काफी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और उसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 जो भी, चाहे लिनक्स हो गया, चाहे मैक हो गया, जो भी आपके पास हो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जल्दी से फाइलों को प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद क्या होता है कि हमारा लैपटॉप जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। और जिस SSD वाले लैपटॉप में आप देखोगे, HDD वाले लैपटॉप में देखोगे तो वो बहुत ही स्लो जो है ऑन होता है या फिर बहुत देरी से लैपटॉप ऑन होगा। सो ये चीजें, तीन चीजें मैंने आपको बता दी, चौथा क्या है जो आपको देखना चाहिए? सो चौथा मेरे ख्याल से ये मेरा है कि स्क्रीन जो है अगर बहुत छोटी है तो मजा नहीं आएगा, ये मेरा है। आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हो कि भाई चौथा क्या, लेकिन ये तीन चीजों में बताया वो तो मतलब आपको आंख बंद करके लेने ही चाहिए। चौथा ये कि आपको स्क्रीन कम से कम जो है 15 इंच की, 14.5 इंच की या फिर 14 इंच की स्क्रीन वाला लैपटॉप लेना चाहिए। डिस्प्ले जो मैं बोल रहा हूँ, लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो 14 इंच का होना चाहिए। ठीक है, 14 इंच का डिस्प्ले अगर ले लेते हो आप तो वो एक तरह से मतलब मीडियम आता है और उस पर काम किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा छोटा डिस्प्ले मुझे अच्छा नहीं लगता और आपको भी बाद में बोरिंग लग सकता है, आपको लगता है सब कुछ अच्छा है लेकिन आपको लगेगा कि मतलब यार डिस्प्ले बहुत ही छोटा है। तो ऐसे में अगर आप लैपटॉप में जो चौथी चीज देख रहे हो तो आप डिस्प्ले देख लेना कि मतलब 14 से लेकर 15 इंच के बीच में है तो आपका लैपटॉप काफी अच्छा है काम करने के हिसाब से, चाहे उसमें वीडियो एडिटिंग करो, फोटो एडिटिंग करो या फिर आप CSC सेंटर में जो काम करते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह बनाने के लिए या फिर पैसे निकालने के लिए आधार कार्ड से, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। इसके अलावा
आपको क्या चीजें चाहिए लैपटॉप में वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कई सारे लोगों के लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट आते ही है, जैसे कि वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.0, इसके अलावा जितने भी तरह की मतलब अलग से जो फीचर्स होते हैं वो आजकल के समय में आ ही रहे हैं, आप अलग से चेक कर सकते हो। आजकल के समय में जो कि इतना फास्ट सब कुछ फास्ट चाहिए, तो ऐसे में हमारे लैपटॉप में ये चार चीजें होनी चाहिए। अगर चार चीजें हैं तो वो किसी भी प्राइस रेंज में हमारे लैपटॉप को सुपर से भी ऊपर बनाती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कितने प्राइस रेंज में लैपटॉप खरीदने वाले हैं और आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए।